नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो है वो है अर्जुन नोवो 605 DI 57 HP का ट्रैक्टर है और 7.5 फीट का लोकल मेड रोटावेटर है। ट्रैक्टर चल रहा है एच के 1 गियर में 1500 RPM के ऊपर, 5000 घंटे का लगभग ट्रैक्टर चल चुका है। और RPM की अगर बात करें ड्रॉपेज की, तो लगभग 200 RPM की ट्रैक्टर ड्रॉप कर रहा है। और खेत आप देखोगे तो भाई पल्डिंग के लिए चल रहा है ट्रैक्टर रोटावेटर साथ में, धान की खेती के लिए। और खेत तो भाई हरियाणा का खेत है, बाकी मेरे को यहाँ के खेत की अगर बात करें तो काफ़ी नरम मिट्टी है, ये समझ लीजिए आप MP के मुताबिक, जो कि आप मेरे वीडियोस में देखते हो। और बाकी आप ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस देखोगे ना तो काफ़ी बढ़िया, मतलब जो ट्रैक्टर अपने यहाँ पर अगर गीले में अपन चलाते रोटावेटर पर जो दबता है ना यहाँ पर, वो कोई काम नहीं है। 1500 RPM पर ट्रैक्टर बिना दबे चल रहा है आराम से, ये देखो वो 7.5 फीट का रोटावेटर है। मैंने यहाँ पर अगर MP में थोड़ा सा भी गीला आ जाता है ना तो भाई रोटावेटर आपको पता है वीडियो में देखा आपने किस प्रकार से चोक होते हैं। तो पूरा वीडियो देखेगा आगे, अगर अपन दिखाएं ना तो मैं आपको ट्रैक्टर के ऊपर भी चढ़ के दिखाऊंगा कि भाई कैसा क्या परफॉर्मेंस ट्रैक्टर दिखा रहा है। तो अगर ट्रैक्टर के ऊपर की बात करें तो आप देख सकते हो भाई ये कुछ यहाँ का इस प्रकार नज़ारा है। पूरी तरह से ट्रैक्टर भाई मिट्टी में या फिर अपन बोल सकते हैं पानी में कीचड़ में पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। धान में तो भाई इसी प्रकार से जलते हैं ट्रैक्टर यहाँ पर। तो रोटावेटर कंडीशन देखो तो ये भी आप पता नहीं कर सकते कि भाई कौन से कलर वाला रोटावेटर है, और यहाँ तक उछल उछल के आ रही भाई मिट्टी। और उसी के बाद अपन लोग देखें ना तो ट्रैक्टर के स्पीड H1 गियर में जैसे ट्रैक्टर चल रहा है और बिना कोई RPM तोड़े ट्रैक्टर चल रहा है। ये देखो भाई लीवर वैसे भाई ने हाथ में रखा है ताकि अगर कहीं पे ज़्यादा घुस जाए ना तो वहाँ पे ऊपर उठा ले रोटावेटर, अगर ज़मीन में ज़्यादा घुस जाता तो। और बाकी आप स्पीड देख सकते हो भाई ट्रैक्टर 1500-1600 RPM पर चल रहा है। और इस प्रकार की अगर कंडीशन जैसे हमारे यहाँ पर, तो भाई पहली बात तो इतना पानी खेत में भरा नहीं सकता, और अगर भर लिया और उसमें ट्रैक्टर उतार दिया तो वो ट्रैक्टर बाहर आ नहीं सकता, ये सीधी सी बात है। ज़मीन ज़मीन का बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ की जो ज़मीन रहती है ना वो ट्रैक्टर को पकड़ लेती है, फिर टायरों को पकड़ के रखती है, एक बार घुस गए ना तो नहीं निकाल सकते। अभी सोयाबीन के टाइम की बात करें ना तो भाई सोयाबीन की ट्रॉली, मतलब आधी ट्रॉली लाने में समझ में आ जाता है भाई कैसे निकालें। और यहाँ पर तो भाई मस्त पानी में तालाब बना के आराम से ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है ज़मीन ज़मीन से। वैसे अगर आप ट्रैक्टर यहाँ पर देखोगे ना तो ये सेम ट्रैक्टर है कि जो भी अपने पास भी है। और अगर बात करें ना यहाँ के ट्रैक्टरों की, तो यहाँ के ट्रैक्टर भाई अंड संड रेस पे चलते, मतलब फुल फाल हरियाणा और पंजाब के ट्रैक्टर अपनी पूरी पोटेंशियल पे चलते हैं, जितनी ताकत होती है ट्रैक्टर में पूरी लगा के चलाते भाई यहाँ पर। आप साइलेंसर ज़्यादा देखोगे ना यहाँ के ट्रैक्टर के, तो वो आपको लाल ही मिलेंगे या फिर उनका कलर जला हुआ मिलेगा। उसका कारण ये है कि भाई यहाँ पर ट्रैक्टर चलते फुल फाल रेस पर। ये देखो आप जैसे ये चल रहा है इस काम में, यहाँ पर ट्रैक्टर की पूरी ताकत जिसे बोलते हैं ना खींचना, वो यहीं पर होता है। बाकी आप ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनोगे ना तो कोई ट्रैक्टर दबा, मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ट्रैक्टर दब के चल रहा है। अब पता नहीं यहाँ का क्या है। ज़मीन की बात करें तो बहुत ज़्यादा अलग प्रकार की ज़मीन है, जिसे बोलते हैं रेतीली टाइप या फिर जो जल्दी बिखर जाती ना, वो अपने यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार से ज़मीन होती है। या तो इतनी हार्ड हो जाएगी कि भाई उसमें आपको ट्रैक्टर नहीं चला पाओगे, या फिर इतनी ऐसी हो जाएगी गीली कि उसमें से आप ट्रैक्टर निकाल नहीं पाओगे। ये प्रकार की थी, या तो घुसेगा नहीं आपका ट्रैक्टर, या फिर अगर नीचे धस गया ना तो हिटेगा नहीं। इस प्रकार से यहाँ की ज़मीन पकड़ लेती है। और अगर गर्मी के टाइम में आपने थोड़ा सा भी लेट हुए तो भाई जय राम जी के, उधर फिर आप ट्रैक्टर चलाना या फिर प्लो करना भूल ही जाओ। मतलब यहाँ की ज़मीन वगैरह की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई मुझे पसंद आई है ये ज़मीन। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ की जो ज़मीन देती है ना उसकी जो उपजाऊ क्षमता या फिर जिसे बोल सकते पैदावार जो देती है ना, वो भाई ज़्यादा देती है हमारे यहाँ पर जो ज़मीन रहती है किसी भी चीज़ में आप ले लो, क्योंकि उसका अलग ही वो ज़मीन में ज़्यादा उपजाऊ क्षमता है। तो अपन वो बात तो सर लो सब ठीक है, पर यही है भाई आज का वीडियो कि ज़मीन ज़मीन में फ़र्क है ट्रैक्टर, क्योंकि सेम ट्रैक्टर होने के बाद भी मेरे सामने जो कंडीशन है कि भाई तो कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है। हमारे पास भी ये ट्रैक्टर है, वो भी नया है बिल्कुल। तो हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।